तो शुरू करते हैं और देखते हैं भाई क्या कलर निकलता है। आज बारी है पूरे फ्रेम की, तो आज हमारा पूरा फ्रेम कलर होने वाला है। सारा कुछ रिमूव कर दिए, जितना स्टिकर इस पे भी था, लियोक्स लिखा हुआ था, नीचे विलियन वॉल लिखा हुआ था, इधर लिखा हुआ था मेड इन कनाडा, इसको बचा देंगे लोगों है, और बाकी सारा कुछ कलर करना है। सेट न करते हुए फटाफट करते हैं काम शुरू। सारा कुछ सेटअप आ गया, सारा कलर आ गया, और जो कम था आज एक वाइट वाला लेके आए, ये ख़त्म हो गया था, एक दूसरा वाइट लेके आए, तो इतने में हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर आएगा भाई अपना ये रेड ऑरेंज मिक्स, जो हमारा पूरा फ्रेम होने वाला है रेड ऑरेंज मिक्स होने वाला है। तो जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो अभी पे पूरा सिंगल कोट आ गया है, और भाई ब्लू कलर से चेक करो क्या हो गई, पूरी वाइट हो गई, और थोड़ी देर में अभी वाइट से भी कोई और कलर ऐड हो जाएगा इसमें, तो थोड़ी ही देर में अभी पूरी की पूरी फ्रेम इसका चेंज हो जाने वाला है। अभी ये सूख चुका है और अब इस पे हम सेकंड कोट करेंगे। अब वाइट नहीं करना है, वाइट तो ये हो गया है, अब इस पे करना भाई जो फाइनल रिजल्ट चाहिए, रेड एंड ऑरेंज मिक्स, ये कलर है रेड और ऑरेंज मिक्स है, तो इसको अब इस पे फटाफट कलर करते हैं। ओ भाई तो कैसा लग रहा है यार, अभी तो गजब की इस पे साइनिंग आ रही है। क्या गजब का कलर आ रहा है भाई, देखने खुश हो जा रहा है। फर्स्ट कोट में इतना साइनिंग आ रहा है इसमें, सेकंड करेंगे तब देखने वाला आएगा। अरे भाई इसे भी लग गया, ओ यार ध्यान दीजिए। ओ भाई तो अभी कैसा रिजल्ट आ रहा है यार, अभी तो फर्स्ट कोट हो रहा है, उतनी ज़्यादा साइनिंग नहीं है, अभी पूरा कलर हो गया और डबल कोट भी कंप्लीट हो गया। तो अब इसको छोड़ते हैं सूखने के लिए, और क्या गजब की लाइट आ रही है भाई, मस्त लाइट आई एकदम से, साइनिंग है बहुत ज़बरदस्त। तो अभी इसको सूखने देते हैं, सूखने में तो काफ़ी टाइम लगेगा, सूख जाए इसके बाद से ये सब पेपर ऊपर निकाल के जो भी है सारा कुछ निकाल के इसके बाद व्हील सारा कुछ सेट करते हैं, और थोड़ा बहुत काम रह जाएगा इस पर टेपिंग का, तो ये बाद में करते रहेंगे दोनों व्हील्स में, जो डिस्क ब्रेक की प्लेट है इस पर, और इसको भी वाइट कर दिए हैं, ये वाइट ही सही है, इसको रेड नहीं किए, पूरा रेड हो जाएगा तो बढ़िया नहीं लगेगा। ये सूख चुका है लेकिन अभी पूरा नहीं सूखा है, अभी देखो जहाँ पे उंगली लग रहा है ना अभी थोड़ा दाग बन जा रहा है, तो अभी फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए और ऐसे छोड़ते हैं, और इसके बाद जो भी व्हील है इसको बांध होने कम्प्लीट करते हैं, काफ़ी टाइम लग गया लगभग
घड़ी तो है नहीं, ऐसे ही टाइम देख रहे हैं। तो अभी कम से कम सूरज किधर गया भाई, लगभग 1:30 बजने वाला है और हमें सारा कुछ फाइनल करके वीडियो एडिट करके पब्लिक भी करना है। तो थोड़ा और रुक जाते हैं आधे घंटे के लिए, थोड़ा बढ़िया से सूख जाए, इसके बाद व्हील सारा कुछ बांधते हैं, इसको पूरा कंप्लीट करते हैं और इसके बाद देखते हैं कि फाइनल रिजल्ट क्या मिलता है। और फाइनल रिजल्ट तो तब तक नहीं आएगा जब तक पूरा इस पर स्टीकर और जो भी नेम है सारा कुछ ऐड ना हो जाए। तो अभी तक तो बस इसको यहीं तक मेंटेन करते हैं और कल हो सके तो चलेगी नहीं करो, पूरा मॉडिफाई होगी कल कंप्लीट। सो गाइस फाइनली अभी जाके अपना व्हील लग के पूरा कंप्लीट हो गई साइकिल, और कैसा लुक आ रहा है भाई। अभी पूरा 100 में 100 ये सूख के पूरा एकदम कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन इसको अब अंदर खड़ी कर देते हैं क्योंकि अभी तो देख रहे हो कितनी तेज धूप हो गई यहाँ पे, तो धूप में मज़ा नहीं आएगा, फिर जल्दी सूखेगी नहीं, तो इसको अब अंदर कर देते हैं। तो यार ये वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करना, और पूरी फुल मॉडिफिकेशन होने वाली है कल, कल मीप्रवा चलेंगे वहाँ पे इसकी पूरी फुल मॉडिफिकेशन, जो बाकी है स्टिकरिंग करना, बाकी इधर अपना जो भी नेम वेम लिखवाना है पूरा नेम लिखवाना, इस पर स्टिकर लग जाएगा, ये सब स्टिकर लग जाएगा, इसके बाद भाई लगेगी कि आप जाके साइकिल मॉडिफाई हुई है। तो ये वीडियो कितनी, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।